अपना नाम बोल दीजिएगा एक मिनट, अपना नाम बोल दीजिए। उसको वापस लेना और चौथा है पराली वाला सरकार है हमारी दो ओ पी, उन्होंने कह दिया कोई जुर्माना नहीं वापस है। और जो तीन कानून है उनके लिए आगे चर्चा होगी, 4-2 को चर्चा होगी। हम भी सोच के आएंगे, वो भी सोच विचार कर अपनी उसमें चार मांगे थी हमारी, खेती कानूनों को रद्द करना, MSP और बिजली जो संशोधित बिल है जो प्रस्तावित चलेगा, तीन कानून वापस कराने तक। हाँ जी, शुक्रिया। MSP की गारंटी का कानून बनाने की और खेती कानूनों और MSP के बारे में है, उस पर हम 4-3 को मुड़ बैठेंगे, मुड़ विचारेंगे। उन पर बातचीत हुई है, सरकार कुछ हमारे और से कोई प्रावधान चाहती है, लेकिन उसके बारे में हम एक ही मांग है कि खेती कानूनों को पूरी तरह अपील किया जाए, उसके लिए चाहे पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए। तो ऐसा है, हाँ जी, लखबीर सिंह, ऑल इंडिया किसान सभा के वाइस प्रेजिडेंट हैं। सरकार के साथ जड़ी बातचीत हुई है, उसका निष्कर्ष आपके सामने आ गया। 4-3 को दोबारा मीटिंग होगी, सरकार ने जो बोला है हम उस पर विचार करेंगे, पर हमारा जो तीन कानून रिपील करने का मामला है वो वहाँ का वहाँ खड़ा है। अभी उसके मामले में हम सरकार की कोई बातचीत नहीं मानी, जो ना मानने को तैयार हैं। जो वो कमेटी वो एक मोटी बनाना चाहते, हम उस पर आश्वस्त नहीं हैं। कानून बनाया सी ओदे चो किसानां नूं मतलब बाहर कढ दित्ता गया, किसानां नूं कोई जुर्माना नहीं होना। जिहड़ा बिजली एक्ट लैके आ रहे सीगे ओह रद्द कर दित्ता गया, और किसानां नूं बिजली फ्री मिलती रहेगी, मजदूरां नूं बिजली फ्री मिलती रहेगी, जां होर बहुत सारियां जिहड़ियां शंकावां साडे होर लोकां दे लई सी ओहदे तों मतलब सारी जनता नूं राहत मिलेगी। इन्नियां गल्लां मन्नियां ने। दूसरी जिहड़ी गल है कानूनां दे संबंध च और MSP दे संबंध च, ओहदे संबंध च 4-3 नूं मीटिंग फिर होनी है। और लास्ट जो मतलब मंत्री जी का एटीट्यूड लग्या सानू, जिस तरह उन्हों का व्यवहार सी वो सानू ए लग्या पॉजिटिव है, और उन्होंने लास्ट दे कहा भी है कि कोशिश होएगी साड़ी कि असी मतलब 4-3 नू तुहानू कोई वधिया मतलब सुनेहा दे के ही मतलब फ्री करांगे। ये गल हुई है लास्ट, अभी तक जो बात हुई संतुष्ट है आप? हाँ, देखिए गल है, जितनी गल हुई है वो गल बहुत वधिया हुई है, दो मंगा मन लिया गई, पहली गल मैं तुहानू दसी है, दूसरियां दे उत्ते मीटिंग फिर सरकार ने तय कर दी है। और उहदे ते जिहड़ी वधिया गल ये है कि साड़ी लास्ट तक यही सी गल कि कानून रिपील करने हैं, कानून रद्द करने हैं, जिवें भी मर्जी करे सरकार, ये सरकार की जिम्मेवारी है। और इहदे ते ही सरकार ने सानू 4-3 की मीटिंग दी है कि असीं इहदे ते मतलब मुड़ दुबारा विचार करते हैं कि इहनूं किवें करना है, किस तरीके नाल करना है, सरकार की जिम्मेवारी है। और इस गल दे उत्ते आके ये होया, और उत्ते बाद दे विच जदों सरकार नाल मीटिंग हो चुकी सी, उस तो बाद साड़ी आपदी मीटिंग हुई है, आपदी मीटिंग दे विच फैसला ये होया है कि असी जिहड़ा कल दा 31 तरीक दा पूरे दिल्ली दा मार्च कढ़न दा प्रोग्राम रख्या सी, वो असी मार्च 19 देर तक ले, क्योंकि सरकार ने साडे नाल पॉजिटिव रोका है, तो हुण दबाव बहुत सारा दबाव बनाउण दी वक्खरे तौर ते दबाव बनाउण दी मैनूं लग्या कि सानूं लोड़ महसूस नहीं हुई। सारियां जथेबंदियां ने सहमति दे नाल उहनूं रद्द कीता, कि रद्द सॉरी भाव पोस्टपोन कीता है, वो साडा पोस्टपोन है 4 तरीक तक। ट्रैक्टर वाले इशू थे, ये सारे इशू हैं, और जो तीन कानून हैं उनको वापसी लेने की बात थी, MSP का बड़ा सवाल था, तो दो इशू पे बात हुई है और दो अभी इशू रह रहे हैं हमारे, जो MSP है और जो कानून है इनको वापसी लेने की बात है, तो ये हो जाएंगे, तो 4 तारीख को मीटिंग होगी। किसी चाय पर क्या चर्चा हुई अनौपचारिक तौर पर? नहीं नहीं, कोई नहीं, तोमर और नहीं, नहीं, से। नहीं नहीं कोई, अरे हंसते खेलते बात कर रहे थे आप, मानते चले कि चाय पर जो चर्चा हुई है वो सकारात्मक हुई है और अब आगे की चर्चा। हाँ दर्शन पाल जी, आज कौन कौन से मुद्दे पर बात हुई? देखो, चार मुद्दे थे, चारों पर बात हुई। पहला मुद्दा तीन कानूनों वाला जो उसके डेडलॉक आ गया,
दूसरा मुद्दा एमएसपी वाला था, उस पर डिस्कशन के बाद हमने कहा कि इस पर हमारी बात नहीं बन रही है। तीसरा मुद्दा था विद्युत वाला, पराली वाला, उनके किसानों और खेती से बाहर निकालने के लिए निकाल दिया उन्होंने। और चौथा था पावर बिल 2020 को उन्होंने वापस ले लिया। सरकार ने दो मुद्दे पे बात मान ली, दो मुद्दे पे साथ बाकी है, बातचीत जारी रहेगी, अच्छे माहौल में बातचीत हुई और ये बातचीत है 4 तारीख को 2 बजे फिर शुरू। तो ये 31 तारीख का जो ट्रैक्टर रैली था उसको आप लोग, ट्रैक्टर रैली को जो 31 को उसको हमने छोड़ दिया है, अभी वो ट्रैक्टर रैली नहीं होगी। और ये ट्रैक्टर रैली अभी 4 तारीख के बाद हम 4 की मीटिंग के बाद आप लोगों का प्रोटेस्ट चलता रहेगा, प्रोग्राम आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा, बड़े के इसको विशाल करेंगे। प्रोफेसर साहब चलिए शुक्रिया, तैयारी करेंगे और चर्चा करेंगे। हाँ देखो गल ये है, व्यवहार अच्छा था, व्यवहार अच्छा तभी होता है जब आपकी आदमी का दिमाग, आदमी का मन अच्छा होता है, तभी व्यवहार अच्छा होता है। आज सरकार इस बात पे मतलब सहमत हुई होती नजर आई है, क्योंकि हमारी बार बार हमारी ओर से तो बात यही थी कि इस कानूनों को वापस लो। हमने हमारा कहीं पे कोई ऐसी बात नहीं थी कि इसमें कोई संशोधन हो या कोई और बात हो। तो जब हमारा वही है तो उसी पर ही सरकार ने 4 तारीख की बैठक फिर से दी है, तो इसमें से मतलब कुछ ना कुछ देखिए अद्धी ना मनो हजे। हाँ जो हाँ उसके लिए बाद में बैठक हुई है हमारे सभी संगठनों की, उसके लिए ये हुआ कि जब सरकार ने हमें बैठक दे दी है तो मसला सॉल्व भी होने लगा है। तो ऐसे माहौल में किसी तरह की और मतलब कोई प्रदर्शन करना वो ठीक ना समझते हुए सभी संगठनों ने उस बात को मतलब पोस्टपोन किया है। जो आप बात कर रहे हो ना प्रेशर पंजाबी आ गए ना, हम तो पंजाबी आ गए, हम तो सारे पंजाबी आए हो। देखो गल ये है प्रेशर बहुत है, कल ट्रैक्टर मार्च का प्रेशर नहीं है, बहुत प्रेशर है। अज पिछले कल तुम देखे ना तो माध्यम तो पता लग्या सानू कि सरकार ने बिहार दे विच ये ऐलान करता कि तुहानू असी MSP ते तुहाड़ियां फसलां खरीदांगे, जिहड़े बिहार नू 2006 तो गल घुट के मारिया गया। यह इस अंदोलन का सिक्का सी, बहुत वड्डी जित हुंदी नजर आ रही है। मैनू आ लग रहा है भी आने वाले दिनों दे विच ये कोई जिहड़ा जिहड़ा ट्रैक्टर मार्च हमेशा कोई असी इहनू खत्म नहीं कर दिता, ना असी धरना खत्म कीता है। ट्रैक्टर मार्च बातचीत है वो खत्म हो चुकी है। आपको बता दें ये बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई, जिसमें 40 किसान संगठनों ने हिस्सा लिया और इस बार की बातचीत में 4 प्रस्ताव में से 2 पर रजामंदी हो चुकी है और तमाम किसान संगठनों की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो भी सामने आई। They will withdraw it and this electricity bill they will not pursue. So these 2 things they have agreed regarding repeal of the 3 acts. Discussion was there but government insisting on the amendment or we insisted on repeal. That is going on. And then another is MSP. MSP said, the government said we are open to discuss it. I should only, not only you should be open, you should clarify whether principally you agreed to legalize or not. But principally he did not say, I cannot say it now. You give us our proposal and then we will discuss on 4th January at 2 p.m. There will be another meeting. In that meeting, this will be discussed. Second, our Kishan organization meeting will be held and we will write our proposal and send him on 2nd. Third, they will discuss among the government. Then 4th, it will be discussed with us. Farmers are still protesting 35 days. Yes. At the Singhi border and yes, all 6 area. We said, if on 4th, there is no solution, movement will continue. And new people are coming every day. Movement will be strengthened if the government does not agree on 4th. ने 4 प्रस्ताव रखे थे जिस पर 2 पर सहमति बन गई है,
पर्यावरण संबंधी अध्यादेश पर रजामंदी हो गई है, एमएसपी पर कानून को लेकर जो चर्चा है वो हुई है, और एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने के लिए कहीं ना कहीं जो सरकार है वो तैयार नजर आ रही है। सरकार का कहना है कि एमएसपी जारी रहेगी। बिजली बिल को लेकर सहमति बन चुकी है, पराली के मुद्दे पर भी रजामंदी हो गई है। तो केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुद्दों पर किसान सरकार के बीच 50% सहमति बन गई। रिपील करने को लेकर के अब दो चीजें और बची हैं, दो चीजें तो आपकी मान ली गई है। हाँ जी, हाँ जी। उस पे भी आप लोग मानते हैं कि सहमति पूरी तरीके से बन जाएगी? नहीं, देखो ये सरकार बिल्कुल मान चुकी है। सरकार ने पहले ही कह दिया था 99% ये कानून गलत हैं। हम सरकार को ये कहते हैं अगर 99% गलत हैं तो इनको तुरंत रद्द करो, लेकिन सरकार टाइम लगा रही है। हमें नहीं समझ आती भी सरकार क्यों टाइम लगाती है। सरकार को जो जल्दी से जल्दी रद्द करके ये तीनों खेती कानून किसानों को घर भेजना चाहिए, हमें तो यही उम्मीद है सरकार से। धन्यवाद। मैं बलकरण सिंह ब्राड़, स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट ऑल इंडिया किसान सभा पंजाब। अच्छा सर, आज की जो मीटिंग रही है वो कैसे, आप क्या मानते हैं, कितनी बड़े सक्सेस रहा, आगे क्या उम्मीद है? हम 5 तारीख को लास्ट में मीटिंग की थी, उसके बाद अमित शाह जी से मीटिंग हुई और उसके बाद 20-25 दिन के बाद आज मीटिंग हुई है 5 तारीख को। इन दिनों में केंद्र सरकार ने पीएम से लेकर उनकी कैबिनेट और उनकी जो पूरी तरह बीजेपी की टीम थी, उन्होंने आंदोलन को डीरेल करने का पूरा जोर लगा दिया, आंदोलन को तोड़ने का, आंदोलन को खरीदने का सभी हर हथकंडा उन्होंने अपनाया, लेकिन सरकार इसमें कामयाब नहीं हो पाई। उसके बाद सरकार को अब समझना पड़ा है। हम बोल रहे हैं कि देर है, दुरुस्त है, दो कानून है जो उन्होंने वापस ले लिए है, दो जो ऑर्डिनेंस और प्रस्तावित बिजली बिल है, और इसके आगे जो खेती कानून है जो मेन इशू है इस आंदोलन का, और उसके साथ एमएसपी है जो उनके उन पर विचार करने के लिए वो राजी हो गई है। वो लिखित में देने में तैयार थी, लेकिन हम नहीं माने कि लिखित दिया जाए। हम चाहते हैं कि पूरी तरह कानूनी राइट है जो किसानों को एमएसपी का दिया जाए, और इसके साथ ये तीनों कानून है जो पूरी तरह रिपील किए जाएँ। ये इसके लिए सरकार 4 तारीख को हम सरकार के साथ बैठेंगे और ये कानून हमें पूरा भरोसा है, ये कानून भी तीनों वापस ले लीजिए। क्या लग रहा है कि सारी मांगे मानी जाएंगी? बिल्कुल मानी जाएंगी। अगर आंदोलन की समझ सरकार को आ रही है, आंदोलन पूरे देश में चला गया है और वो दो मान गई तो दूसरी भी मानेंगी, इसलिए नहीं तो हम आंदोलन करते रहेंगे तो आंदोलन को और तेज किया। और सर ये जो आपकी ट्रैक्टर मार्च वगैरह था उसको फिलहाल आप उसको हाँ फिलहाल हमने थोड़ा रोक लिया है 1-2 दिन के लिए। आगे जो हमारी बैठक होगी उसके उसमें फैसला किया जाएगा कि वो ट्रैक्टर मार्च जो कब करना। ठीक ठीक सर हरिंदर सिंह लखवाल। तो कृषि कानून और एमएसपी पर बात जो है वो नहीं बनी है, और अगली जो बैठक है वो 4 जनवरी को होगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बस करो माल साहब, तुसी रेडी होके फिर शुरू हो गए, थोड़ी भी ना एनर्जी नहीं खत्म होंगी। सासिकाल फोफड़ जी। ओए सासिकाल, ओए 8 बजे तक कह के 11 बजे जाते हो तुसी। ये फोफड़ जी आंखी नहीं खोलदी, थक्या जा शरीर रहंदा, थोड़े च इस उम्रे भी पूरी फुर्ती है। ओए मेरी फुर्ती दा राज है वैद्यवान दा एक्स प्लस मर्दाना कोर्स, ते पिछले 30 वर्यां तों यही है मेरी सेहत दा राज। इम्यूनिटी वधाउण दे नाल नाल मर्दाना ताकत लई चुस्ती फुर्ती ते जोश वधाउण लई तुसी भी आज ही शुरू करो X Plus मर्दाना कोर्स। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने
एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन की गाड़ी ढाबे में जा घुसी और इस हादसे में अजरुद्दीन बाल बाल बच गए। जानकारी के मुताबिक यह हादसा लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर सुरवाल थाने के पास हुआ। 57 साल के पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन अपने परिवार के साथ रणथंबोर आ रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। तो वहीं इस हादसे में ढाबे पर काम कर रहा एक युवक घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दुर्घटना के बाद डीएसपी नारायण तिवारी मौके पर पहुंचे और हादसे की जानकारी ली। दरअसल मोहम्मद अजरुद्दीन परिवार के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए सवाई माधोपुर के रणथंबोर जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। इस हादसे के बाद मोहम्मद अजरुद्दीन और उनके परिवार को होटल पहुंचाया गया। वहीं बिहार में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल लंबी होती दिखाई दे रही है। हड़ताल के 8वें दिन भी बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर अपनी जिद पर अड़े हैं। डॉक्टरों की हड़ताल से अब मरीजों का भी सिस्टम से भरोसा उठता जा रहा है। सबसे ज्यादा बुरे हालात पटना के बड़े अस्पताल पीएमसीएच के हैं। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का इस कदर बुरा प्रभाव पड़ा कि पीएमसीएच के हथुआ वार्ड में 90% बेड खाली हो गए। अस्पताल के इस वार्ड में मात्र 10% ऐसे मरीज हैं जिन्हें डॉक्टरों के आने का इंतजार है। ये लड़का है बेटा। हाँ, क्या इसको है ट्रक से ठोकर लग गया। हाँ। तो इसको बहुत दिक्कत है, गोर भी टूटा है, स्टील पड़ा है, इसलिए बैठा हुआ है। डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा है। डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। एडमिट नहीं ले रहा है यहाँ पे? नहीं ले रहा। कितने दिन से आप आए हुए हैं? हम एक हफ्ता से है। एक सप्ताह से आए हुए हैं? हाँ। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि शुक्र के भर्ती लेंगे। वही शुक्र के भर्ती नहीं लिया, यही शुक्र के फिर डेट दिया है। भर रात भर दिन लड़का के लेके हम गुजारा है, दर्द पीड़ा से परेशान है। पीएमसीएच में रुके हुए? हाँ। यहीं पर बाहर रुके हुए हैं? हाँ, बाहर में है। बाहर में? बाहर में। परेशानी हो रही है आपको? बहुत परेशान है। वहीं हरियाणा के अंबाला नगर निगम में पहली बार मेयर पद के सीधे होने वाले चुनाव में हरियाणा जनचेतना पार्टी के प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर वंदना शर्मा को हराकर मेयर की सीट को हासिल कर लिया। नगर निगम में मेयर पद के लिए प्रत्याशी 101 पार्षद पद के लिए लोगों ने चुनाव लड़े, जिसमें सीधे तौर पर मेयर के मुकाबले में शक्ति रानी शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी की वंदना शर्मा को 7,000 से ज्यादा मतों से हराकर जीत को हासिल किया। और इसी के साथ इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 8 पार्षद, हरियाणा जनशक्ति पार्टी के 7 पार्षद, कांग्रेस के 3 पार्षद और हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के 2 पार्षद इन चुनावों में जीत हासिल कर पाए। एक विनर होता है, एक लूजर होता है। आई एम लूजर, नेवर माइंड। कारण सब समीक्षा करेंगे, फिर पता चलेगा। कारण बहुत कुछ हो सकते हैं, मैं कैसे बताऊं पर्टिकुलर? भीतर घात हुआ है, मैं कुछ नहीं कह सकती इस बारे में। मुझे कुछ नहीं, कुछ तो असर होगा ही, सब बातों का असर होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं आएगी। हर मेरे ख्याल में तो हर मेंबर जो जीत के आया है अम्बाला की बेहतरी के लिए, प्रोग्रेस के लिए काम करेगा। क्यों रुकावट डालेंगे? ठीक चलेगा हाउस। बीजेपी
देखिए मैं इसके घमंड की बात नहीं करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि केंद्र में उनकी सरकार है, अपने हरियाणा में उनकी सरकार है, विधायक उनका है, लेकिन मेयर अब जो है वो हरियाणा जनचेतना पार्टी का है। वासियों का प्यार मिला है मुझे, ये जीत नहीं है, ये अम्बाला वासियों की जीत है, ये अम्बाला वासियों की ही जीत है, ये उनका प्यार और आशीर्वाद है। मैडम आपके जी हाँ बिल्कुल विश्वास किया है, क्योंकि उन्होंने देखा है विनोद शर्मा जी कार्यकाली शक्ति उन्होंने देखी है, और इस वजह से उन्होंने विश्वास जताया है कि जैसे पहले काम हमने किया है उसी तरह से हम फिर काम करेंगे जी। जब ये तो प्रशासन के ऊपर निर्भर है। अंबाला निकाय चुनावों में बीजेपी को मिली करारी शिकस्त पर शंभू टोल प्लाजा पर किसानों ने जमकर बीजेपी की हार का जश्न मनाया। किसानों ने कहा कि लोगों ने कृषि कानूनों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है, तो साथ ही किसानों का दावा है कि हर जगह बीजेपी हारेगी। अंबाला निकाय चुनावों के नतीजे बीजेपी के दावों और उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत नजर आए। अंबाला में मेयर पद और 20 पार्षदों के लिए चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी के हाथ सिर्फ 8 पार्षद सीटें लगी, तो वहीं बीजेपी की मेयर पद की उम्मीदवार को भी करारी हार का सामना करना पड़ा। सुखिंदर जी, किस तरह से बीजेपी की हार का जश्न मनाया जा रहा है? आज हमें बहुत खुशी हुई है, जो हमारे मजदूर व्यापारी वर्ग ने जो हमारा साथ दिया किसानों का, हमने अम्बाले के अंदर पर्चे बांट के अपना साथ मांगा था, अभी हम जो भी कैंडिडेट जीतने वाला है उसको जिताएं और बीजेपी को हराएं। आज अम्बाले के अंदर बीजेपी की बहुत बुरी हार हुई है, और मैं कहूँगा दो पार्टियों का गठबंधन होने के बावजूद भी इतनी बुरी हार हुई है, इनको शर्म माननी चाहिए, शर्म के डूबकर मर जाना चाहिए। पूरे हरियाणा के अंदर की हार हुई है, एक अम्बाले अम्बाले में नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर बहुत बुरी हार हुई है। बीजेपी वाले के ऊपर अगर थोड़ा बहुत इनमें नैतिकता है या थोड़ा बहुत इनके में कोई शर्म है वो रखने के लिए, जो किसानों का आंदोलन है वो काले कानून, जैसे आज हमारी दिल्ली के अंदर मीटिंग चल रही है हमारे प्रधानों के साथ, वो काले कानून वापस ले लेने चाहिए, अगर वापस ना लिए इनका। अगली खबर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से, जहां पर उपनगरीय क्षेत्र सेती से महेश्वर की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क स्थित वृद्धाश्रम चौराहा का सभापति संदीप शर्मा ने निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि इस सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। निरीक्षण कर अधिकारियों को सड़क को चौड़ा करने और नाला निर्माण करने के निर्देश जारी किए गए, जिससे भविष्य में दुर्घटना घटित ना हो। तो साथ ही वहां बारिश के दौरान पानी भरने की समस्या से निजात दिलाने के लिए संदीप शर्मा ने मौके पर ही एक बड़े नाले का निर्माण किए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान पार्षद शैलेंद्र सिंह राव, पूर्व पार्षद गोविंद शर्मा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। सैती जो सेंट्रल कैंडिडेट स्कूल के आगे एक नया तिराहा डेवलप हो रहा है। अब पिछले काफ़ी समय से यहाँ यातायात का दबाव काफ़ी बढ़ता जा रहा है, आसपास नई कॉलोनियाँ विकसित हो रही है, तो इसके लिए आज हमारे जो पार्षद महोदय सभी साथियों की यही मांग है कि इस चौड़ाए को सर्कल को चौड़ा किया जाए। हमने अधिकारियों के साथ ये मौका देखा है, निश्चित तौर पर हम प्लान करके जल्दी इस जो तिराहा है इसको चौड़ा करने का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। और सामने जो वृद्धाश्रम बना हुआ है, ये भी हमारे सभी साथियों की मांग थी कि यहाँ एक तो सरकार ने जनता क्लिनिक का एक पैटर्न दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो हम यहाँ जनता क्लिनिक के लिए हमने जगह आरक्षित कर दी है, और इसके लिए हमने CMHO को चिट्ठी लिखी है, यहाँ जल्दी जनता क्लिनिक भी प्रारंभ कराएंगे, ताकि पूरे जो क्षेत्र के जो वासी हैं उन सबको यहाँ तत्कालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके, और इस किराए का सौंदर्यीकरण कर इसके नामकरण। वहीं लुधियाना सांसद रवनीत बिट्टू के कत्लेआम वाले बयान पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भटिंडा के फायर ब्रिगेड चौक में रोष प्रदर्शन करते हुए सांसद का पुतला फूंका, तो साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि रवनीत बिट्टू पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।